opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. एक ऐसा शख्स है, गेंदबाज है, रिटेन प्लेयर है और उन्हें चाहिए क्रेडिबल एडवाइस ऑफ द डे पार्ट बाय क्रेडिट बी लोन्स एनीटाइम एनीवेयर. नाम है उस शख्स का मोहम्मद सिराज. थोड़ा सा टॉपसी टर्वी, उतार चढ़ाव भरा मामला रहा है सर. स्पार्क उन्होंने दिखाया है लेकिन ये फॉर्मेट आपको ज्यादा टाइम देता नहीं. ये उनकी परफॉर्मेंस अब तक महंगे जरूर साबित हुए. उन्हें शुरुआत में भी इस्तेमाल किया गया है, एंड में भी किया गया है. पहले मैच में 59 रन, तीसरे मैच में 43, फिर 51. महंगे हैं, खर्चीले हैं, लेकिन इनको रिटेन किया गया है. तो क्या करिए, इस मसले का हल क्या है इनका? देखिए, रिटेन जब करते हैं तो भरोसा दिखाया है, तो मैं कहूँगा और थोड़ा सा भरोसा दिखाइए. फिर वही बात आती है ना कि आप कहाँ खेल रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. देखिए, पहले जब बॉलिंग करते हैं ना, जब बॉल थोड़ा सा हिलता है तो वो बेहतर लगते हैं. फिर वही बात आ जाती है कि आखिरी में जब डालते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ वो थोड़ा सा फंस रहे, जो पहले जैसे फंस रहे थे. तो पहले भी उभर के आए हैं ना वो, अभी उभर के आएंगे. भरोसा इतना दिखाया है उनको, आपने रिटेन किया है, तो और थोड़ा सा उनको दीजिए वो और खेलने के लिए. क्योंकि बैंगलोर जो है ना, वो जब अपने जो प्लेयर है ना, दो तीन प्लेयर जब उनके ऊपर भरोसा दिखाती है तो बहुत लंबी देर तक दिखाती है, चहल को छोड़ के. देखिए, अगर अजय भाई हम उस ग्राफिक को फिर से देखें, एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है. कोलकाता के खिलाफ जो दूसरा वाला मैच है, 25 रन दिए वहां पर, दूसरा, पांचवा और दसवां किया, एक लौता ओवर डेथ में, वहां पे आंकड़े उनके अच्छे हैं. तो क्या ये उस बात का इशारा है कि भाई डेथ से इन्हें दूर रखे, कॉन्फिडेंस इनका रीबिल्ड करे, पहले करा दें आप चार? बिल्कुल, डेथ से तो सबको दूर रहना चाहिए और इनको खासकर, ये इनको तो जाके बैठ जाना चाहिए कप्तान के कमरे में. इनकी एडवाइस, मेरी एडवाइस ये है, कप्तान के कमरे में पहुंच जाएं और कहे जी मुझे बॉल थमा दें आप नया, और मेरे से चार आपने करवाना ही है, मुझे पहले चार कर लेने. सर, कौन से वाले कप्तान की बात कर रहे हैं भाई? जो इनको इंडिया टीम में लेके आया, या फिर जो नहीं, मुझे इस टीम का ये भी नहीं पता कि कोच बताते हैं कौन कौन सा ओवर करेगा, या जो कप्तान अब ये लेके आए हैं ऑक्शन से वो करते हैं, या एक और जो पुराने कप्तान. तीनों को बिठा लें साथ में, या तीनों के साथ बैठ जाएं, इतना वक्त मिलता है गेम के बीच में. तो एडवाइस यही है कि अगर अपना भी भला और टीम का भला चाहते हैं तो किसी तरह ना वो 10 के आगे ना जाए ही ना. मतलब आप कन्विंस कर दें अपनी टीम को कि यार वो हर्षल भी तो 10 के बाद शुरू होता, तो मुझे 10 से पहले खत्म कर दो. मेरा अलग रोल है, उसका अलग रोल है, और मेरे हिसाब से टीम के लिए भी इससे अच्छा काम नहीं है. क्योंकि हर खिलाड़ी संपूर्ण नहीं होता, ये बात पक्की है. इसमें बहुत टैलेंट है आपने जगह, और टैलेंट को देख के ना दिल मचलता है यार, ये टैलेंट खराब ना हो जाए. वो टैलेंट जो है वो है ही नहीं गेंद के लिए, वो टैलेंट है ही आगे इसे अटैक करने के लिए. और मोर देन अटैक क्या है कि माइंडसेट चेंज हो जाता है. जब आप 16वें 18वें 20 ओवर में गेंद करने आते हैं, बहुत कम गेंदबाज हैं जो माइंडसेट ऐसा रख सकते हैं कि अभी भी मेरे को आउट करके ही बच सकता हूं. फिर ये ना वो कोशिश कर रहे हैं जो इनके पार्टनर जो इतने सक्सेसफुल हुए हैं, हर्षल पटेल करते हैं, वो सब करने की, वो उनका काम है, वो उनको करने दीजिए. आपका जो काम है, आप अपने कप्तान को रोटी खिलाइए या बिरयानी मंगाइए, जैसे हमारे लिए हलीम लाते हैं यहाँ, हो जा हलीम खिलाए, एप्रिकॉट आइसक्रीम भी आती है. बिल्कुल, ऐसा कोई काम करें. और कप्तान से ये कहें कि जी दसवां ओवर होना, उससे पहले मेरे चार खत्म करवा दो, आप देखो फिर मैं क्या नज़ारे दिखाता हूँ आपको.